वेलकम टू द सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों। द 40 टेक्निकल पॉइंट ऑफ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ऑफ एंड स्टील एनफोर्समेंट को कंबाइन करके 40 पॉइंट बनाए हुए हैं आपके लिए। तो लेट्स बिगन। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन। लेट्स गो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधी सी बात करते हैं कि हम एज अ सिविल इंजीनियर हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और डिजाइन मिक्स के बारे में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, कहीं कोई पता नहीं चलता कि स्टैंडर्ड टेक्निक स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो हम M10 के बारे में आपको बताएं कि जब आप डिजाइन मिक्स की बात करो, डिजाइन मिक्स इन द सेंस कि आप वेट मैट्रिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि कितना वेट होना चाहिए। तो सीमेंट 210 kg, 20 mm जैली, जेली इन द सेंस एग्रीगेट्स की बात करें 708 kg, 12.5 mm जेली, 472 kg, रिवर्स एंड 823 kg, टोटल वेट 185, टोटल वाटर 185 kg, फ्रेश कॉन्क्रीट डेंसिटी 2398 kg। इसी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, आपको जब भी आपको ज़रूरत हो डिज़ाइन पे, साइट पे, तब आप इसको उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है M20 के लिए मैक्सिमम टाइम। हम जब डिज़ाइन मिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए सीमेंट 320 kg, 20 mm जाली, 683 kg, 12.5 जाली, 477 455 kg, रिवर्स एंड 794 kg, टोटल वाटर 176 kg, एडमिक्सचर्स मिलाना पड़ेंगे 0.7%, फ्रेश वाटर की डेंसिटी 23 2430 kg पर मीटर क्यूब। इसी सिस्टम्स को पढ़ाते हैं, वीडियो को छोटा भी करना है, कंटेंट भी बताना है। M25 का स्पेसिफिकेशंस आपके सामने है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स बिगन। जो भी आपको समझ नहीं आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी सीक्वेंस में M30 के लिए आपका सीमेंट 380 kg, 20-12 रिवर सैंड, एट मिस्टर्स, फ्रेश वाटर डेंसिटी, सैंड में 2% मॉइस्चर कंटेंट को भी ऐड किया हुआ है, सैंड 760 kg विथ 2% मॉइस्चर, मतलब इसमें 770 वो है और 15.2 मॉइस्चर कंटेंट भी ऐड है। तो मॉइस्चर कंटेंट को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। M35 की बात कर लेते हैं, सीमेंट 20 एडमिक्सचर्स और सैंड वही है कि क्योंकि सैंड में अल्टीमेटली मॉइस्चर कंटेंट होता है और जब ग्रेड बढ़ा रहे होते हैं तो वेट बढ़ रहा होता है आपका, तो उन सबको मैनेज करने के लिए इसमें देखो 2% वाटर था, दैट इज ओके, 2% वाटर था दैट इज ओके, 200 हो गया, 200 माइनस 14.7 ये मॉइस्चर कंटेंट ना होना, इसको माइनस करके तो बेट बाटर से मतलब इसमें मोशन कंटेंट नहीं है, ये चीज समझने की है। M40 के लिए आपके सामने है सैंड में बल्केज 1% हमने कंसीडर करके रखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके शेप कीजिए, जब भी आपको जरूरत हो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। M50 का भी एक टेक्निकल है कि आप इसमें देखो, एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें कि आप यहाँ पे इसको रेशियो भी बता रहा है 1, 1.44, 2.23, जो आपको डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन पार्ट, जब आप प्लांट में आप एज अ इंजीनियर आप जाएंगे आप बोलेंगे कि आपको M40 या M50 आपको डिज़ाइन कास्ट करनी है और डिज़ाइन मिक्स हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिक और स्टैंडर्ड डिज़ाइन मिक्स है, इनके बेसिस पे आप कंक्रीट बना सकते हो और क्यूब भर के आप स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी, ये है सर्टिफाइड डाटा है। देखो कंक्रीट डिज़ाइन के मिक्स रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से कराते हैं, प्लांट पे काम शुरू करवाना है, साइट पे क्लाइंट सब पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये है कि कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स रिपोर्ट अलॉन्ग विद द टेस्ट रिपोर्ट फॉर द कंक्रीट क्यूब शैल बी सबमिटेड इन एडवांस फॉर अप्रूवल बिफोर रिलेवेंट कंक्रीटिंग, और जिसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट शैल नॉट बी लेस देन 300 kg पर मीटर क्यूब और एज पर आईएस कोड 456/2000 में इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वहाँ आपको रेफर करना पड़ेगा। पोरिंग ऑफ कंक्रीट के लिए कंडीशंस हैं, जनरली बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, हम बता रहे हैं कि जहाँ पे हैवी रेन हो, स्ट्रॉम हो और हाई विंड हो, वहाँ पर हम पोरिंग ऑफ कंक्रीट नहीं करते। नो कंक्रीट ऑपरेशन शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन, तो ये ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें पता होना चाहिए। भाई PCC के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन प्योर प्रोसीजर क्या है PCC का, राइट वे ऑफ प्रोसीजर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सिबिशन करना है, लेवल डायमेंशंस चेक करना है, सारे लूज अर्थ पिट में से निकाल देना है,
उसके बाद बाटर को स्प्रिंग करनी है, रैमिंग करनी है, क्लियर करना है सरफेस को और मैकेनिकली रैमर चलाना है और डू द सटरिंग बाय प्लैंक और एनी एयर एंड रनर्स एनी वेयर एवरी वेयर इफ नेसेसरी. कहीं है तो फिर प्लैंक और ये रनर्स वगैरह लगा करके आप सटरिंग लगा सकते हो. वो नीचे जो उसको रनर्स बोलते हैं उसी को प्लैंक बोलते हैं, छोटे लकड़ी के गट्टे होते हैं. मिक्स द कंक्रीट विद रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड बाटर सीमेंट रेशियो विद मैकेनिकल मिक्सर मशीन एंड प्लेस द सैम इन टू द पिट. आपको मिक्स करना है जो कंक्रीट बनाते हैं पीसीसी का M40, M20 वट एवर M40 एग्रीगेट मेटल और 20 mm मेटल वट एवर दोनों यूज होते हैं आजकल की कंडीशन में. पोरिंग सर्फेस टू बी रैम्ड एंड फिनिश स्मूथली, ये पीसीसी करने का तरीका है. और भी देखिए कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सेंट एग्रीगेट हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और भी हम पहले डिस्कस किए हैं कि 100 पॉइंट्स भी हमने बताए हैं उसी सीक्वेंस में. ये 40 टेक्निकल पॉइंट्स और हम आपको दे रहे हैं और ये कंप्लीट एक ऐसा वंच हो गया है कि जो आपको कंप्लीट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट्स दे रहे हैं, तो आप इनको इंजॉय करो. देखिए इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं. होता क्या है कि हमें एक MQ कंक्रीट का भी बनाना हो, क्योंकि एक यूनिट का बताया ना तो फिर मल्टीपल मल्टीप्लाई कर लो. M15 का एग्जांपल लिया है, मिक्स है 1-4 का, तो 50% वेट कंक्रीट के लिए ऐड करते हैं तो एक MQ नहीं 1.50 बनाना पड़ेगा. उसको 4, 2 और 1, 7 से डिवाइड करो इसका MQ और जो MQ निकला उसका सीमेंट एक बैग में 30 बैग्स होते हैं. ये यदि केजी में आप निकाल रहे हो तो 1440 कर लो और 30 बैग्स वाट एवर. एक सैंड है तो एक MQ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो एक MQ मतलब ये जो आया 0.214 MQ इसका 2 times है सैंड तो वो MQ में निकलेगा और एग्रीगेट्स 4 times है तो 4 से मल्टीप्लाई किया. इस सिक्वेंस को आगे रखना है और हमें कैलकुलेशन अब जैसे प्लास्टर का करते हैं तो प्लास्टर कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लो. इसका कैलकुलेशन सिंपल है, वेल डिफाइंड है. जो समझ नहीं आया वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो. वॉल्यूम फॉर सपोज दैट 100 MQ का वॉल्यूम है और आपको उसमें 12% आपको इंक्रीज करना है. एक्चुअली 12% इंक्रीमेंट नहीं है ये, इसमें 12 mm थिक है तो 100 meter स्क्वायर ही तो स्क्वायर एरिया हो गया और थिकनेस से मल्टीप्लाई करो तो उसका वॉल्यूम हो गया. और 30-35% बल्किंग ऑफ सैंड उसमें ऐड करना है, 20% वेस्टेज ऑफ सैंड ऐड करना है और 1.872 डिवाइडेड बाय 1.4 ये जो रेशियो है 1:2 सीमेंट और 4:2 सैंड और 5 से डिवाइड करके जो भी MQ निकला वो सीमेंट का हो गया. उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो जो MQ निकलेगा वो सैंड का हो गया. और ये जो 30 से मल्टीप्लाई किया है 30 है एक MQ में कितने बैग आते हैं तो बैग में कन्वर्जन है, इट्स नथिंग एज ए यूनिट कन्वर्जन है नथिंग. अब हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं ध्यान रखने वाले हैं कि वेट ऑफ रोड पर मीटर D² / 162 वेयर D इन MM, L4 कॉलम मैन रॉड फुटिंग इज मिनिमम, L लैपिंग है मतलब L बनाना है मतलब बैंड करना है, 300 mm मिनिमम होना चाहिए फुटिंग के लिए, हुक का स्टिरप्स है 9D होना चाहिए, कैंटिलीवर की एंकर लेंथ की बात कर लेते हैं तो 69D है. स्टिरप्स कैसे निकालते हैं, क्लियर स्पान अपॉन स्पानिंग प्लस बम. डिजाइन मिक्स है तो टारगेट डिस्टेंस कितना हो चाहिए 1.25% होना चाहिए या होती है जैसे 40 का 50 मान लेते हैं, मान ही लेते हैं 1.25 से मल्टीप्लाई करते. देखिए वेट ऑफ रेनफोर्समेंट पर मीटर लेंथ की बात कर लेते हैं. वैसे तो हमने आपसे कहा कि आप D² / 162 से कैलकुलेट कर लो, लेकिन एज अ साइड पे आपको ये चीज याद भी रहनी चाहिए कि 6 mm का 0.222, 8 mm का 395 mm, 10 mm का 617 और 6 whatever, 12 mm का 0.88, 888 mm, 16 mm का 1.57, 20 का 2.46, 25 का 3.85, 32 का 6.31, 40 mm का 9.86. और एक थियोरिटिकल वेट के लिए भी एक है, 21 पे हम पहुंच चुके हैं, सीक्वेंस जारी है, आपको आखिरी तक देखना है. बहुत ही गजब की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, मतलब ये एक हैंडबुक टाइप का हम दे रहे हैं कि 15 मिनट में आपको वो सब रिवाइज कर लेंगे जो आपका बेसिक है.
और स्टील रेनफोर्समेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं। तो सीमेंट की डेंसिटी 1440 kg, स्टील का 7850 kg, विक्स का 1600 से 1920 kg। एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? ये नॉर्मल है तो 745.7 वॉट होते हैं, ये ध्यान रखें, कभी जरूरत पड़ सकती है। अब देखो बेचिंग प्लांट पे आप चेक करने गए तो टॉलरेंस कितना चेक करोगे आप? तो उसके लिए उसी को हम बता रहे हैं इसी सिक्वेंस में कि सीमेंट में एक्यूरेसी को ±2% तक आपको बैरी कर सकती है, एग्रीगेट्स पर ±3%, एडमिक्सर्स पर ±3%, वाटर ±3%, मिक्सिंग टाइम 2 मिनट होना चाहिए वन मिक्सिंग साइड, मिनिमम कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। कवर एज पर एनफोर्समेंट, देखो कवर के सिक्वेंस में आपको अलग अलग जगह डाटा मिलेगा, कहीं सटरिंग के कभी आइटम के हिसाब से, कभी रेनफोर्समेंट के हिसाब से। इसमें हमने रेनफोर्समेंट के हिसाब से डिस्कस किया है कि यदि कॉलम का रेनफोर्समेंट लेस देन 12 mm है, 12 mm है तो 40 mm, मतलब लेस देन 12 या 12 है, 12 से छोटा तो हो नहीं, 12 के बराबर है तो 25 mm कॉलम का कवर, ये स्टैंडर्ड है 465 के हिसाब से, 456 के हिसाब से। और यदि ग्रेटर देन 12 है तो 40 mm का कवर देना ही है, ये मस्ट है, रिक्वायर्ड है। बीम में 25 mm, स्लैब में 15 mm और लेस देन डाई ऑफ द बार, फुटिंग में 50 mm और सनसेट छज्जा में 25 mm। सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं 24 पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स की बात कर लेते हैं कि भाई आपने कास्टिंग करी, आपने मिनिमम, देखो मिनिमम कास्टिंग की बात है जो करते हैं तो 2 नंबर ऑफ सैंपल्स बनाते हैं, एक सेट में 3 क्यूब होते हैं और 2 इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तो आप 7 दिन में चेक करोगे, एक 28 डेज में चेक करोगे, तो मिनिमम 2 इतना होना ही है। लेकिन फॉर सैम्पलिंग पर्पस लोग कहते हैं कि आप 1 से 5 mq बनाते हैं तो 1 नंबर ऑफ सेट ले लो, और 6 से 15 mq है तो 2 नंबर ऑफ सेट, 16 से 30 mq है तो 3 नंबर, 31 से 50 mq है तो 4 नंबर, above 50 mq है तो 4+1 additional sample of E50, 4, 5, 6 से verified है data, तो उसमें आप परेशान नहीं होना है अपन को। और curing of cement, curing of cement की बात कर लेते हैं कि भाई curing of cement में क्या है कि sulfate, सुपर सल्फेट सीमेंट की 7 दिन क्यूरिंग मस्ट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की 10 दिन और मिनरल्स एडमिक्सर एडिट सीमेंट की 14 दिन, इतना तो करना ही है। इसके टर्म्स हैं, ये थम रूल्स भी कह सकते हैं, हमने कहा ना ये हैंडबुक है, बस इसे आपको ध्यान रखना है, इसमें वो मिल रहा है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों ने बताया हुआ है लेकिन वो बात नहीं बताई जो आपको ज़रूरत है। जिसकी भाई आप देखो कि टॉलरेंस फॉर्मवर्क आप चेक कर रहे हैं तो आप क्या चेक करेंगे कि भाई जब फॉर्मवर्क की बात आती है तो कॉलम और बीम में +12 mm चल जाता है, मतलब कॉलम का फॉर्मवर्क 12 mm बाहर हो और 6 mm कम ये चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। इंडियन स्टैंडर्ड में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इतना टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। फुटिंग की बात कर लेते हैं तो +50 mm चलेगा, 12 mm कम भी चलेगा। डेप्थ की बात कर लेते हैं तो 0.05 ऑफ डाया स्पेसिफाइड थिकनेस के, डी क्या है स्पेसिफाइड थिकनेस डेप्थ, उसमें चलेगा। टॉलरेंस ऑफ डाया इन लेंथ, भाई इसमें देखो लेंथ में जैसे 0 से 25 mm का आपका रॉड है तो ±0.5% और ±0.6 और ±0.8% 35 to 50 mm डाया में ये टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। इन्हें आप स्क्रीन शॉट सेव करके रखो, इट विल हेल्प यू। और टॉलरेंस फॉर रेनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ यदि 200 mm से कम है तो ±10 mm आप उसका, मतलब उतना 10 mm इफेक्टिव डेप्थ में भी टॉलरेंस है। ग्रेटर देन है 200 mm से तो ±15 mm ये टॉलरेंस में आएगा। इस फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि यदि आपका 200 mm की डेप्थ है बीम की तो आप या तो 190 बना लो या 210 बना लो, डजंट मैटर। और यदि आपकी 300 mm है तो आप, या 300 mm है तो आप प्लस करेंगे तो 315 mm होगा और माइनस करेंगे तो 285 mm होगा, ये आप एक्सेप्टेड है।
cover for reinforcement, for cover to reinforcement plus 10 mm तो होना चाहिए ये reinforcement को cover करने के लिए, 10 mm तो extra चलेगा plus, और maximum free fall to concrete 1.50 meter height, इससे ज़्यादा नहीं। टॉलरेंस फॉर कटिंग लेंथ की बात कर लेते हैं कि कटिंग लेंथ में टॉलरेंस कितना है, जब जहाँ पे स्पेसिफाइड है, वेयर द स्पेसिफाइड लेंथ इज नॉट गिवन, तो 75 mm ज़्यादा कर लो, 25 mm कम कर लो, और वैन मिनिमम लेंथ इज स्पेसिफाइड, वहाँ पे आप प्लस 50 mm तो कर सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्निकल स्टैंडर्ड है, उसको आप कम करेंगे तो वहाँ पे टेंशन लोड को बियर करने में दिक्कत आएगी मेंबर को। आप वेट की बात कर ले तो यहाँ पे इस केस में आप आइस कोर प्रेफर करोगे, वहाँ पे दो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जो है टॉलरेंस ऑन वेट पर मीटर, ये इंडिविजुअल सैंपल के लिए है, सेट ऑफ सैंपल के लिए नहीं है। तो 10 mm प्लस माइनस 7 mm, 10 से 16 प्लस माइनस 5 mm, 16 mm प्लस माइनस 3 mm, 3%, ये वेट में टॉलरेंस है। यू हैव टू बी नो, हम 31 का सिक्वेंस चालू कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि इससे अच्छा पार्ट और कहीं नहीं है। आई बॉक्स में एक 100 points ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे ज़रूर देखें और ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को इनलार्ज या लार्ज कर देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बाधा है स्पेसिंग ऑफ बार, भाई कितनी स्पेसिंग रखें, कभी डिज़ाइन पर्पज से आपने सोचा, लोग कहते हैं कि भाई कम से कम कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए बार की, क्योंकि लोग बाग कह देते हैं कि भाई आपके लिए भी एक साइड पे पॉइंट आ सकता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपका नॉर्मल 400x500 की बीम है, अच्छी बड़ी सी बीम है, और यदि वो यदि आपके साथ यदि अच्छा यदि अच्छी बात ये होगी, यदि वो PIU की बिल्डिंग है ना, तो स्टील वो भर के देते हैं। अब स्टील को प्लेस करना चैलेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्पेसिंग ऑफ बार कितना रखें। अब आपके पास में 400 विड्थ है और जो आपने कह दिया, आपसे बोल दिया कि इसमें 6 नंबर ऑफ रॉड आपको डाली है, तो मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए उसके बीच में, वो एज अ साइट इंजीनियर आपको देखना होता। तो उसके लिए हम नॉर्म्स हैं कि प्रोवाइड द डाया ऑफ द बार इफ द डाया ऑफ द बार आर इक्वल, प्रोवाइड द डाया ऑफ द बार इफ द डाया ऑफ बार आर इक्वल, मतलब एक आप डाया ऑफ बार प्रोवाइड कर सकते हो। यदि डाया अनइक्वल है तो स्पेसिंग लार्ज डाया के हिसाब से, और मोस्टली 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर एग्रीगेट, ये होना चाहिए, इसको ध्यान रख लो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये मान के चलो कि इससे बड़ा रूल कुछ नहीं है, बेसिक थंब स्पेसिफाइड सब कुछ। अब देखना सिल्ट और क्ले की टेस्टिंग, भाई जब भी कंक्रीट की बात हो, रेनफोर्समेंट की बात हो और शेड की बात हो, तो उसमें सिल्ट और क्ले का तो रहेगा ही रहेगा। कैसे चेक करते हैं, चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। 200 mm का मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उसमें 100 mm मार्क तक सैंड को भर लेना, 150 ml ऑफ वाटर उसमें डालना है, ऐड करना है और उसको सेक करना, अलाउ इट टू सेटल, 3 घंटे के लिए उसको रख दो, मेजर द टोटल हाइट एंड हाइट ऑफ क्ले, उसके बाद आप टोटल हाइट मेजर करो और हाइट ऑफ क्ले मेजर करो, कैलकुलेट द क्ले एंड सिल्ट इन टोटल सैंड, और अब आप टोटल सैंड में कितनी सिल्ट क्ले है उसको कैलकुलेट करो, क्ले एंड सिल्ट शुड बी नॉट एक्सीडिंग 3% बाय वेट एंड 8-10% बाय वॉल्यूम। भाई ये बात बड़ा कन्फ्यूजन है, देखो बाय वेट का तो नॉर्म्स आपको मिल जाएगा 3-8%, बट बाय वॉल्यूमेट्रिक आपको कहीं स्पेसिफाइड ही नहीं है। आइस कोड में 3% बाय वेट मेंशन है क्ले के केस के लिए, बट 8-10% बाय वॉल्यूम नहीं है। बट ये कुछ आप यदि देखोगे कि आप यहाँ पे अभी हम लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करवा रहे थे, UADD में, UADD MP का, तो उनकी जब स्पेसिफिकेशंस थे तो वहाँ उसकी प्रोसीजर में मेंशन था, तो 8-10% बाय वॉल्यूम, बट वो एक्सेप्टेड है। SP बुक्स में भी कई सारी मेंशंस हैं,
हाई स्कूल्स में मुझे नहीं मिला, बट वहाँ पे मुझे मिला, तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए, और ये एक्सेप्टेड है, इसे आप मना नहीं कर सकते। मतलब आपके पास दो चाबियाँ होती हैं, आप बाय बेट्स पढ़ना है कि बाय वॉल्यूम, बट जिससे आप चेक कर, बाय बेट चेक करना बहुत, वो उसका अलग प्रोसीजर है, बट आप जो बीकर में आप जो चेक करते हो वो सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक है, तो आपको वॉल्यूमेट्रिक नॉर्म्स ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा पता दिक्कत क्या होती है, हमारे आइस कोर्ट्स में जहाँ पे आप सिल्ट और क्ले के लिए बात कर रहे होते हैं, थोड़ा लेंथी हो रहा है बट ये बताना बहुत ज़रूरी है एज ए सिविल इंजीनियर, हमारे आइस कोर्ट्स में क्या है कि वहाँ पे एक प्रोसीजर है, ये जो सिल्ट और क्ले को बीकर टेस्ट के लिए यही स्पेसिफाइड किया है, नॉर्म्स में एक टेबल है वहाँ पे बाय वेट लिखा है और 3% लिखा है। अब हमारे साथ कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि प्रोसीजर ये है, फॉलो हम ये कर रहे हैं, नॉर्म्स देख रहे हैं कि बाय वेट, वेट के लिए तो जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो तो कहीं मेंशन है उसमें, लेकिन वो बहुत ही आउटडेटेड बीकर है, एपरेटस है उसका, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब आप 75 mm के लिए वो वाटर वॉश वाला होता है कि पानी 75 mm की सीप से छानो, फिर उसको पानी से धो, उसको सुखाओ, उसके बाद क्या वेट में फ़र्क आया, उसमें यदि 3% आ रहा है तो वो एक्सेप्टेड, वॉल्यूम बीकर से चेक करो तो 8 to 10% बाय वॉल्यूम ये एक्सेप्टेड है। क्रेशर सैंड और सिल्ट और क्ले के केस में 15% बाय वेट, क्रेशर सैंड क्ले एंड सिल्ट शुड नॉट एक्सीड 15% बाय वेट, 15% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप समझ सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक का क्या है, नॉर्म्स नहीं है बट जो स्पेसिफाइड है वही हम बता रहे हैं। ये आप ऐसे हैंडबुक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वेट ऑफ बोल्ट नेल, भाई ये तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर साइड पे आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी नेल्स आती हैं, मतलब 2 इंच की नेल है तो 385 नंबर ऑफ नेल्स आती है पर केजी में, 3 इंच की नेल 118 नंबर पर केजी, 4 इंच की नेल 72 नंबर पर केजी, और बाइंडिंग वायर में जो रिंग बनी आती हैं जो स्टैंडर्ड रिंग्स होती हैं 170 रिंग्स होती हैं 1 केजी में, ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है यार, कोई नहीं बताता। और बोल्ट की बात करते हैं तो 50 mm बोल्ट ये 751 नंबर आते हैं पर 52 केजी, और 40 mm में 883 नंबर पर 54 केजी। आगे बढ़ते हैं, सेशंस को एंजॉय करो, लाइक करना ना भूलो। देखो अब हम 34 नंबर वाले पॉइंट पे आ गए हैं, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स आर अलाउ फॉर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑफ रेइनफोर्समेंट स्टील। देखो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि आपको हर ईच डाया आपको चेक कराना है जब एवरी 50 टन में, 50 टन कॉन्क्रीट आप मतलब स्टील आपने लिया है वहाँ पे, और एट चेंज ऑफ द सोर्स ऑफ सोर्स ब्रांड, यदि आपने ब्रांड चेंज किया है तो आपको चेक कराना पड़ेगा। भाई नेक्स्ट है कि ऑल द बीम रेनफोर्समेंट टू बी इंसर्ड फॉर अ मिनिमम लेंथ ऑफ 46 इंच। देखो एक ये थंब रूल है एज अ सिविल इंजीनियर, यदि आपको कोई पूछे कि कम से कम कितना एंकर लेंथ होना चाहिए, तो 46 ऑफ डाया वार इन टू कॉलम एंड सपोर्टिंग बीम अंडर, और सपोर्टिंग बीम में मतलब सपोर्टिंग बीम और कॉलम में आपको इतना तो एंकर करना ही है। नेक्स्ट है बाइंडिंग वायर का कितना गेज होता है, 16 गेज होता है, 1.6 mm सॉफ्ट एन्यूअल एनिलेटेड स्टील वायर फ्री फ्रॉम रस्ट एंड अदर कंटेनमेंट। तो इसका गेज हमने बता दिया, बाइंडिंग वायर का गेज यदि कभी आप चेक करो 1.6 mm, 16 गेज कहते हैं। देखो फॉर्म वर्क का एक बहुत ही है, लोग कहते हैं कि सेटरिंग का काम कराना नहीं आता, कैलकुलेशन कैसे होती है, समझ कैसे नहीं आता, तो एक इसमें एक फॉर्मूला है जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं, तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि साइड बीम की बात करें, बीम की साइड का कैलकुलेशन होता है कि बीम की साइड जितनी है उस स्लैब की थिकनेस हटा दो तो साइड ऑफ द बीम दिख जाता है। संख के केस में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, संख के केस में क्या होता है कि स्लैब हमारा बीम के बॉटम पे रेस्ट कर लेता है और नॉर्मली स्लैब बीम के टॉप पे रेस्ट कर लेता है, बट दिक्कत नहीं आती इसमें। अब हम आपको दिखाएंगे कि मिनिमम चेयर 12 mm डाया का यूज़ करना चाहिए, उससे छोटा नहीं, और स्पेसिंग 1 नंबर पर मीटर स्क्वायर ये होना चाहिए, ये डबल बार का मिनिमम डाया 12 mm हो ये हमें पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम को टाइज कहते हैं और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ बीम को स्टिरप्स कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
हम एंगल ऑफ स्ट्रेस के हुक्स की बात करें 135 mm है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार कॉलम नॉट लेस देन 0.8% मिनिमम और मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन। भाई लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की जब बात करें तो वो बात कर रहा है कॉलम की, वहाँ पे इससे 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन से तो कम नहीं होना चाहिए और 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। और एक अब हम बात आपको और बता दें कि इन स्टील बाइंडिंग वायर की जो है 8 kg पर मीट्रिक टन बाइंडिंग वायर की ज़रूरत पड़ती है और चेयर में मिनिमम 12 mm का डाया हम लगाते हैं, तो ये चीज़ है। और हम आपको आपने अल्टीमेटली सेशन ख़त्म हो गया है, 40 पॉइंट्स को हमने बड़े इत्मीनान से समझा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि मिले आपको सबसे अच्छा पॉइंट। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ज़रूर देखना है वो 100 पॉइंट्स वाला वीडियो, वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, यू हैव टू मस्ट वॉच दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।